जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का जो विधान है वो बहुत कल्याणकारी विधान है। अगर आपको दरिद्रता छू रही है, अगर आप दरिद्रता से उभर नहीं पा रहे हैं, या फिर बहुत अमीर थे और फिर दरिद्रता की ओर बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं, तो कपाल भैरव का जो ये मंत्र है ये आपके लिए ही बना है। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये एक रात का विधान है और एक रात का विधान 100 रातों पे भारी है। ये इतना जोरदार तंत्र का टोटका है। हर तंत्र में तंत्र विधि और टोटका दोनों अलग होता है। टोटका में मंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। ये एक ऐसा तंत्र टोटका है जिसमें मंत्र का भी उपयोग होगा, यंत्र का भी उपयोग होगा और टोटका का भी उपयोग होगा। तीनों काम हम एक साथ करेंगे। कपाल भैरव, इनकी साधना ऐसे भी मैं गृहस्थों के लिए नहीं देता हूं, लेकिन ये एक ऐसा विधान है जिनका व्यापार डूब रहा हो, जिनके पास धन नहीं आ रहा हो, जिनका धन आके चला गया हो, सबके लिए ये विधान बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको घर में डर लग रहा है इस विधान को करने में, वो किसी मंदिर परिसर में, अगर भैरव का मंदिर हो तो सर्वोत्तम है, काली का मंदिर हो तो सर्वोत्तम है, इन सारे मंदिरों में इस साधना को कर सकते हैं। इससे याद आया, कपाल भैरव से याद आया कि हमारे मंदिर में इस नवरात्रि माँ भगवती देवी काली कपालिनी के रूप में स्थापित होने जा रही हैं। वो सिर्फ साधकों के लिए एक अलग व्यवस्था रहेगा, जहाँ पे वो माँ कपालिनी का मुंड मालिनी का दर्शन कर पाएगा और उसके साथ में मसानी मेल्डी और मेघनाद भैरव की भी स्थापना होगी। जो मूल मंदिर है उसमें छिन्मस्तिका और माँ भैरवी की स्थापना हो रही है विग्रह के रूप में। तो 10 महाविद्या, बाकी की जो 5 महाविद्याएं हैं उसको हम दीवाल में वॉल माउंटेड जो मूर्तियां होती हैं उस रूप में स्थापित करेंगे। बहरहाल विषांतर ना करते हुए, जिनको लाभ लेना है वो इस नवरात्रि में हमारे मंदिर रांची वाले भैरव बाबा आ सकते हैं। तो ये जो विधान है, ये विधान आप होली के 3 रात पहले कर सकते थे, जो कि अभी बीत गया है, दीपावली के 3 रात पहले कर सकते हैं। कोई भी चंद्र ग्रहण आने वाला हो, कोई भी सूर्य ग्रहण आने वाला हो, उससे 3 रात पहले, या अभी जैसे चैत्र नवरात्रि आ रही है, 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं और जो सर्दियों में नवरात्रि होती है शरद नवरात्रि, इन चारों नवरात्रियों के षष्ठी की रात्रि में आप कर सकते हैं। षष्ठी की रात्रि में करने से क्या होता है कि अष्टमी नवमी के निशा बेला पे जो है इसका असर शुरू होता है। आपको इसके प्रयोग के लिए क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए काला कपड़ा, एक काला कपड़ा ले लीजिएगा जिसमें आप सब सामग्री को बांधिएगा, ठीक है। उसमें 1 मुट्ठी तिल डालिएगा, काला तिल, 7 काली मिर्च का जो दाना होता है गोल वो डालेंगे, 1 लोहे का कील डालेंगे, ठीक है, और सबको बांध लेंगे, ठीक, उसको सामने रख करके, और उसके बाद जो है 1 सरसों तेल का दीपक जलाएंगे। ध्यान रखिएगा कि आपका जो कपड़ा है वो कपड़ा इतना बड़ा हो कि ये सारी सामग्री जो है उससे बाहर ना निकले। खास करके कील का जो दोनों कोना है वो पूर्ण रूप से, वो जो आपने काला तिल और जो मरीच डाला है उसके बीच में छिप जाना चाहिए। मतलब कील तो छोटा रहेगा, फिर भी इतना छोटा कपड़ा नहीं रखेंगे कि वो किसी भी तरीके से उसका कोना बाहर आए, ठीक है। दीपक जो आप रखेंगे वो इतना रखेंगे कि जब तक आप 10 माला करें तब तक उसका जो सरसों का तेल है वो शेष ना हो। वो एक बार जलेगा तो पूर्ण रूप से वो रहना चाहिए। दिशा जो है आपकी दक्षिण की तरफ होगी। रात्रि का समय होगा, ये पहले बता चुका हूँ। वस्त्र सिला हुआ नहीं हो सकता, मतलब धोती पहनिए, साड़ी पहनिए, ये आप पर है। गंध का कोई इसमें उपयोग नहीं है, ना इसमें आपको प्रसाद नवेद में कुछ चढ़ाना है। मंत्र 3 बार बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो काली कंकाली भैरव हुक्मे हाजिर रहे, मेरा कारज तुरंत करे। घर को गरीबी दरिद्रता बांधो, मुख बांधे शरीर बांधे, फोटा बांधे उसका अंग अंग बांधे, उठाके गिरे गिराकर उठावे, घर से दूर भगावे, चोट पर चोट करे, मेरा कारज सिद्ध करे, काली के पुत्र
कंकाल भैरव फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। ठीक है, इसका मतलब है इस मंत्र को सिद्ध करने का कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये फूरो मंत्र ईश्वर वाचा, ईश्वर के मुख से निकला हुआ मंत्र है। एक बार फिर से मंत्र सुनिए। ओम नमो काली कंकाली भैरव हुक्म हाजिर रहे, तो काली कंकाली के हुक्म से, कंकाली वही भगवती जिनका स्थापना हमारे मंदिर में भी होना है। ओम नमो काली कंकाली भैरव हुक्म हाजिर रहे, मेरा कार्य तुरंत करे। मेरा कार्य तुरंत करे मतलब मेरा काम तुरंत करे। घर को गरीबी दरिद्री बांधे, मतलब घर में गरीबी और दरिद्री ना रहे। मुख बांधे शरीर बांधे, मतलब ये दरिद्रता के बारे में बोल रहा है। मुख बांधे शरीर बांधे, कोटा बांधे उसका अंग अंग बांधे, उठा के गिरावे गिराकर उठावे, घर से दूर भगावे, चोट पर चोट करे, मेरा कारज सिद्ध करे। कालिका पुत्र कंकाल भैरव फूरो मंत्र ईश्वर वाचा, मतलब भगवती का वचन देके कंकाल भैरव को बोला जा रहा है कि दरिद्रता को बांध के मेरे घर से बाहर भगाओ, उसका मुख बांधो, उसका शरीर बांधो, उसका फोटा बांधो, उसका अंग अंग बांधो, उसको पटको फिर उठाओ, फिर पटको फिर उठाओ, है ना, चोट पर चोट करो, मतलब इतना प्रताड़ित कर दो कि दरिद्रता मेरे घर ना आए। और ये सब करने के लिए फूरो मंत्र ईश्वर वाचा, मतलब गुरु ने दे दिया है मंत्र, ईश्वर का वचन है तो ये अब खाली नहीं जाएगा। ओम नमो काली कंकाली भैरव हुक्म हाजिर रहे, मेरा कार्य तुरंत करे, घर को गरीबी दरिद्रती बांधे, मुख बांधे शरीर बांधे, कोटा बांधे उसका अंग अंग बांधे, उठा के गिरे गिराकर उठावे, घर से दूर भगावे, चोट पर चोट करे, मेरा कार्य सिद्ध करे। काली के पुत्र कंकाल भैरव फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र का आपको 10 जाप कर लेना है। जब 10 जाप हो जाए तो फिर ये जो आपने पोटली बनाई है इसको एक मिट्टी के हांडी में डाल देंगे, ठीक है, और रात में जा करके जो चौराहा होता है उस चौराहे के मध्य में इसको रख देंगे। जब आप इसको रखने जाएंगे तो साथ में एक जल का लोटा भी लेके जाएंगे। वो ऐसे तो हम लोग तंत्र में हमेशा तांबे का लोटा प्रयोग करते हैं, लेकिन आपका जो भी लोटा हो, और उससे फिर जो है ये जो आपने कलश रखा मिट्टी का जिसमें कि ये आपने कागज को मोड़ कर रखा था, कपड़े को मोड़ कर रखा था, इसके चारों ओर पानी का एक घेरा बना दें, फिर पलट के वापस अपने घर चले जाएं और गलती से भी मुड़ कर ना देखें उस हड़िया को कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसा करने से आपके दरिद्रता का सिर्फ एक रात के प्रयोग में नाश हो जाएगा। ये बहुत लोगों ने बहुत बार किया है और सबको लाभ हुआ है, आपको भी लाभ होगा। देखो कंकाल भैरव का प्रयोग जैसा मैंने बता दिया, अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसको आप लोग रिपीटेडली करोगे। एक बार साल भर में आपने प्रयोग कर लिया, बहुत लोगों का तो जीवन में एक बार ये प्रयोग कर लेने के बाद फिर इस प्रयोग को करने का आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो बहुत लोगों के जीवन में क्या होता है ना कि गरुड़ योग जो लगता है, गरुड़ योग का मतलब होता है कि बहुत अमीर थे अचानक फिर गरीब होने लगे और फिर उठने की का उपाय नहीं मिल रहा है। ये जो गरुड़ योग होता है ना उसमें ये जो कंकाल भैरव है, भैरव तो हर स्थिति से आपको निकाल लेते हैं, तो वो जो गरुड़ योग होता है ना जिसमें आप गिर जाते हैं वहां से उठने के लिए कंकाल भैरव बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग का क्या होता है कि कर्म ऐसा होता है पिछले जन्मों का कि वो गरीबी से उठ नहीं पाते, उनके लिए भी भैरव एकमात्र सा है। भय प्रकट की कृपाला, शंकराचार्य ने भी लिखा है कि महेश जो है भैरव रूप में कृपा करने के लिए आए हैं। तो कंकाल भैरव की साधना कीजिए और जो भी दरिद्रता आपके जीवन में है उसको आप दूर भगाइए, इसलिए साधना दी है। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं। इसमें जो साधना का शुरुआती विधान है, मंत्र क्या होता है, तंत्र क्या होता है, यंत्र कैसे बनते हैं, किस किस देवता की शुरुआत पूजा करनी चाहिए, ये सब हम आपको बताते हैं। जिनको मेरे द्वारा लिखा हुआ लेख पढ़ना है या फिर आगामी कार्यक्रम जानना है तो 9431188585 पर जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, उसमें rudranath@cm4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप उस पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कंकाल भैरव आप सभी को धनाढ्य बनाए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश आदेश।